राधा थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज, मम्मा बस आ ही रही होंगी। भगवान भी कभी राक्षसों के लिए रुके हैं? आपकी माँ के होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मम्मा की आवाज। मासी हिलेगा मत, हिलेगा मत, हिलेगा मत। मम्मा, मम्मा ठीक हो? सब ठीक है ना? सुबह की आरती के वक्त काले कौवे का होना घर में बहुत बड़ा अपशगुन है। हाँ? क्या? ये तो मृत्यु का संकेत है। क्या बात करी हो मां? किसने ये कौवा छोड़ा था? हाँ? चारों तरफ से चोंच मारी है उसने। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो अभी तो कौवा नहीं है ना, तो सब ठीक है। मैं हमारे सर पे उतने छेद मारे, अगर कलम ना आने गए तो यहाँ से फवारा छूटेगा। दीदी क्या बोल रही हो मम्मा? अब गया कौवा, आप शांत हो जाइए। उड़ गया वो। सब ठीक है, रिलैक्स। क्या हुआ मोहन जी? हमारी तरफ क्या आ रहे? अरे बदबू आ रही थी। हमें भी आ रही है। क्या कर रही? ये बदबू की स्मेल कहाँ से आ गई? हम्म,
इसकी स्मेल कैसी है? बहुत ही गंदी दुर्गंध है बाके बिहारी जी। जी ये है किस चीज की? पता नहीं पर कुछ सड़ने की बदबू आ रही है। अब हम तो सुबह अच्छे साबुन से नहाए थे और पता नहीं कद्दू वही वही बिटिया नागर बार आए तब से ये बदबू आ रही है। तब से आ रही है क्या आपके आपसे इतनी दुर्गंध? पर आप सबको पता है हमारे गांव में ना ऐसा कहते हैं कि जब भी ऐसी दुर्गंध आती है ना इतनी विचित्र इतनी गंदी दुर्गंध तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही शक्तिशाली कोई प्रेत आत्मा ना नाराज हो गई। क्या हमें डर लग रहा है मोहन जी? अरे क्या कर रही हो यार तुम राधा, भूत प्रेत की बात कर रही हो, डर लग रहा है ना मुझे? डर वर की छोड़िए ना मोहन जी, हमने जो कुछ सुना हमने वही बोल दिया, अब लोग हमें ही सुनाए जा रहे हैं। दुर्गंध आ रही माँ जी, हमें ना बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे आसपास कहीं घूम तो नहीं रही है ना। वैसे बात तो सोचने वाली है। हाँ। कल झूमर का गिरना, वो कौवे का इस तरीके से अटैक करना। हाँ। ये दोनों इंसिडेंट कुछ अजीब नहीं लग रहे हैं? बहुत अजीब लग रहे हैं। कहीं सच में भूत भूत तो नहीं है? बाकी बिहारी जी हमें लग रहा है। अरे यार मोहन भैया आप मॉडर्न जमाने में ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होता। हाँ, हाँ मोहन भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है, कोई जानवर मरा होगा बस उसी की गंदी स्मेल आ रही है। अरे होता है, आपको पता नहीं होगा ना, अभी के लोग हो आप लोग। हाँ तू बाद में पैदा हुआ, तुझे नहीं पता यार। अरे आप सब बाद में पैदा हुए थे, सबसे पहले तो हम पैदा हुए थे ना, हम पैदा हुए थे है ना कद्दू, तुमसे भी पहले पैदा हुए ना हम। अरे टिंकू ये कौन सा कातिल कौवा था? अरे हमारे पीछे क्यों पड़ा? कावेरी मासी क्या है ना, अब तो कौवा भी जान गया कि आप कितनी खतरनाक है और इंसानों के बीच में रहने के लायक ही नहीं है, इसलिए कौवा आपको ले जाने आया है। कद्दू क्या क्या बोल रही है तुम्हारी बिटिया, देखो तो सही। ऐसे भी बुरे का नतीजा बुरा ही होता है ना केतकी। तो अरे बस करो यार केतकी, मासी की हालत खराब है और तुम कुछ भी बतियाई जा रही हो। दामी तुम्हें काम करो, तुम मासी को कमरे में ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है इससे पहले कि तोता अटैक कर ले। कोई अपनी मासी को इस तरह से ताना मानता है? सीख सीख कुछ मोहन से सीख।
चलिए ना मम्मा। इतना ध्यान रख रहा है आराम से। बहुत दर्द हो रहा है बेटी। आराम से। इतनी चोच मारी है, इतनी चोच मारी, क्या बोल। आराम से मासी, आपको मदद करूं मैं। क्या करोगे, जो लूटना था लूट जा बेटा। ले जाओ मम्मा को अपनी। अजीब, क्या कर रही हो तुम? सब लोग हमारे पीछे हाथों कर पड़ गए। जवाई जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब इस घर में हो क्या रहा है, और जो भी हो रहा है वो कर कौन रहा है। देख बिटिया, इस घर में हमारे सिर्फ दो ही दुश्मन हैं, एक तो वो भूतनी और दूसरी वो 2.5 फुट चुड़ैल। अगर तुलसी को गुरु माँ ने कैद करके रखा है तो फिर ये सब क्या राधा कर रही है? देखो मम्मा, झूमर का गिरना वो राधा की साजिश हो सकती है, लेकिन ये कौवे का अटैक, ये सब राधा कैसे कर सकती है? हमारी भी सहायता करिए। अरे गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ। रुक जाओ, कभी भी मूड बन जाता है तुम्हारा। देंगे तो हम क्या करेंगे? कपड़े निकाल दोगे? अरे जो भी हो, आज मजा बहुत है। मुझे लगा और मजा आने वाला है, लेकिन तुम उठ गई। मोहन जी आप भी ना। मोहन जी, ये दामिनी और कावेरी काकी जी ना भी सोच रही थी, वो काला कौवा आया कहाँ से? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो काला कौवा तुम्हारा दोस्त है। रोज तुमसे मिलने आता है और तुम उसे अपने हाथों से रोटी भी खिलाती हो। दोस्त दोस्त है, चाहे वो किसी भी होने का क्यों ना। और वही देखो ना, आज दोस्त ही काम आ गया। कावेरी मासी की जो शक्ल है ना, वो देखने लायक थी। नहीं बचाओ 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 बचाओ। वो कूद कैसे रही थी? टिंग टिंग कैसे? रोई राधा, वैसे तुमने उस साड़ी का क्या किया? मतलब अगर उन्हें चूहे के बारे में पता चल गया ना, तो उनका डर जो है वो कम हो जाएगा। बता दे। दरवाजा भी बंद, बता दो। ओ मोहन जी, हाँ बंद तो है, बता ही देते। हमने ना वो साड़ी दुलारी जी से बोल के धुलवा दी थी, और मूषक जी को भी एकदम सम्मान के साथ अंतिम आहुति दे दी। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ। दादा, हमारा प्लान जो है ना, वो थोड़ा बहुत तो कामयाब हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि हम दामिनी और कावेरी मासी को पूरी तरीके से डरा पाए। मुझे आप सही कह रहे हैं, केतकी जी और राहुल भैया ने ना
मजाक करके पूरे माहौल को ही ठंडा कर दिया था। पर हमें ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद दामिनी और कावेरी काकी जी थोड़ा बहुत तो डरे ही होंगे। और हमें ना पूरा यकीन है अभी वो दोनों यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब किया किसने। आखिर ये सब कर कौन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी गुरुमा के कैद से आजाद हो गई और वही ये सब कुछ कर रही है? मम्मा, गुरुमा को फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए ना। हाँ तो जल्दी करना फोन। हाँ बोलो। हेलो गुरुमा, वो एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि तुलसी अभी भी आपके कैद में ही है ना? तुम्हें कोई संदेह है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि फिक्र मत करो, तुलसी हमारे पास ही है। बॉटल तो टूट गई। दामिनी, तुम हमारे लिए दिन ब दिन मुसीबत बनती जा रही हो। जल्द से जल्द तुम्हारी जिंदगी का खात्मा करना होगा। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि राधा, मोहन और तुलसी हमारा वो काम कर देंगे। खत्म। क्या कहा? गुरुमा कह रही है कि तुलसी अभी भी उनके कैद में ही है। इसका मतलब इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो राधा ने किया है। हे प्रभु, पर बिटिया ऐसा क्या हो सकता है कि राधा अपने इस प्लान में कौवे को कैसे शामिल कर सकती है? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बाके बिहारी जी ने राधा को कौवे से बात करना भी सिखा दिया हो? वो भी पता चल जाएगा। चलिए मेरे साथ। कहाँ? क्या कहाँ? उस राधा के पास। अब वो गवारी हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेगी। चल। तो अकेली जा बिटिया, तो ही सब पर भारी पड़ेगी। हमें नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, कहीं गलती से वो कातिल कुआ फिर से हमारे पीछे पड़ गया तो। तुझा, हम तो यहीं पे सो जाते हैं, हमें नहीं जाना कहीं पर, बहुत डर लग रहा है हमें। हे प्रभु, कब क्या हो जाए। सो जा, सो जा। दामिनी, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी का
खात्मा होने वाला है। आज से लेके अगले 7वें दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारी दामिनी। अरे 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 अरे।